हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम लोग जो हमारा चैप्टर चला था मटेरियल, उसकी क्लास को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं सर। अच्छा सर, हाँ जी। तो आज हम लोग जो है जो लास्ट क्लास चल रही थी मटेरियल की, उस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उस क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि हमने लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में मीनिंग ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सर टाइप्स ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल कितने तरीके के होते हैं सर, ठीक है। हमने देखा था दो तरीके के मटेरियल होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल सर। उसके बाद हम लोगों ने देखा सर इस चैप्टर को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज अ पर्पस, दैट इज ऑब्जेक्टिव क्या है सर। तो मैंने बोला था सर कि हमारा जो सब्जेक्ट पढ़ रहे कॉस्ट अकाउंटेंसी, उसके बहुत सारे पर्पस हैं, उनमें से एक पर्पस है टोटल कॉस्ट को कम करना। तो सर इस चैप्टर के अंदर हमारे को मटेरियल की कॉस्ट को कम करना सीखना है और बिना प्रोडक्ट की क्वालिटी को डाउन किए। अच्छा सर, हाँ। तो सर इसके लिए हमें क्या लगाने पड़ेंगे, बहुत सारे इन्वेंट्री के कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे सर। तो इन्वेंट्री कंट्रोल्स लगाने सर बहुत सारे, तो सर इन्वेंट्री कंट्रोल्स कहाँ कहाँ पे लगाने हैं सर? तो बताया था सर जब परचेज कर रहे हैं हम लोग, दूसरा जब हम स्टोर कर रहे हैं स्टोर रूम में रॉ मटेरियल को, और तीसरा जब फैक्ट्री में इश्यू कर रहे हैं। इन तीन स्टेजेस पे हमें कंट्रोल लगाना है, परचेज पे, स्टोरेज पे, और तीसरा हमारा है इश्यू। तो सर हमारा फैक्ट्री के अंदर कंट्रोल नहीं लगाने सर? नहीं, क्योंकि फैक्ट्री में जाता ही वो रॉ मटेरियल नहीं रहता, इट कन्वर्ट्स इनटू WIP। अच्छा सर, हाँ। तो सर इन्वेंट्री कंट्रोल लगाने की बहुत सारी टेक्निक्स होंगी, इसका मतलब मैंने बोला यस बच्चों, बहुत सारी टेक्निक्स होती है इन्वेंट्री कंट्रोल की, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो इनमें से ही हम लोगों ने बहुत सारी टेक्निक में से सबसे पहले स्टार्ट करी थी ABC एनालिसिस। क्या स्टार्ट किया था? ABC एनालिसिस, जिसकी थ्योरी मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दी थी। अच्छा सर, हाँ, मैंने आपको स्टार्ट किया हुआ था ABC एनालिसिस, चलेगा ठीक है। फटाफट से रिकॉल करते हैं थ्योरी के बारे में, फिर हम लोग आगे इसका क्लास को कंटिन्यू करते हैं सर, चलेगा। तो सर ABC एनालिसिस में क्या होता है, मैंने कहा था कि कंट्रोल्स तो हमें लगाने हैं सर रॉ मटेरियल पे, यस और नो? यस, तभी तो कॉस्ट कम होगी, वेस्टेज कम होगी। तो कंट्रोल्स लगाने से पहले लेकिन हमारा पहला काम होता है, हमारे पे जितने भी रॉ मटेरियल है, जितने भी वैरायटी का रॉ मटेरियल है, चाहे वो एक वैरायटी का, 10 वैरायटी का, 100 वैरायटी के, इन सबको आपको तीन कैटेगरी में क्लासीफाई करना है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। अच्छा सर, हाँ। और किस बेसिस पे करना है? उसकी कॉस्ट के बेसिस पे। किस बेसिस पे? कॉस्ट पे। तो ऐसा मटेरियल जिसकी टोटल कॉस्ट सबसे ज्यादा हो उसको कैटेगरी ए में, और टोटल कॉस्ट अराउंड कितनी हो, 70% हिस्सा हो टोटल कॉस्ट में उसका, और इसकी क्वांटिटी ये देखा जाए तो क्वांटिटी सबसे कम हो, अप्रोक्स 10%, इसमें सबसे हाई कंट्रोल लगाएं। और वहीं पे सबसे जो लोएस्ट कॉस्ट का आइटम है, दैट इज जिसके अंदर जो कॉस्ट आती है अप्रोक्सीमेटली 10% आती है, लेकिन क्वांटिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी होती है अप्रोक्स 70%, तो उसमें सबसे लो कंट्रोल लगाएं, ठीक है। सबसे लो कंट्रोल लगेंगे सर कैटेगरी सी आइटम्स पे, और मीडियम में होता है सर बी, मीडियम में होता है बी। इसमें क्या होता है, कॉस्ट भी 20% अप्रोक्स होती है टोटल कॉस्ट, और क्वांटिटी भी अप्रोक्सीमेटली 20% होती है, और इस पे लगा है सर मॉडरेट कंट्रोल बीच में, इससे कम इससे ज्यादा, बीच में रहता है सर, ठीक है, चलेगा। तो आज सर हम लोग क्लास में जो डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे ये कंट्रोल लगाने से पहले हमें ABC एनालिसिस करनी है, और ABC एनालिसिस के अंदर हमें सारे रॉ मटेरियल को तीन कैटेगरी में बांटना है ABC। तो इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्लास में, चलेगा। तो आप लोगों के पास आई होप बुक होगी, इस बुक में एग्जांपल नंबर 1 दिया है, वो किससे रिलेटेड है सर? ABC एनालिसिस से रिलेटेड है, तो उसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं, एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, चलेगा। क्या लिखा हुआ जरा सुनना, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोन अबाउट ए ग्रुप ऑफ आइटम्स। ये इंफॉर्मेशन आपको बताई गई है सर, किसके बारे में बताई गई है? एक ग्रुप ऑफ आइटम्स। अच्छा सर, एक ग्रुप है, यस,
मतलब बहुत सारे ग्रुप में बहुत सारे आइटम्स हैं और इन उनको क्लासिफाई करना है इन मटेरियल को इन एबीसी क्लासिफिकेशन में। अच्छा सर हाँ, ये इंफॉर्मेशन दिए कुछ ग्रुप ऑफ आइटम्स, कितने आइटम्स है जरा चेक कर लें। आपको आइटम दिए मॉडल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 तरीके के आइटम्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, 10 टाइप्स के। आपको क्या करना है सर, इन 10 आइटम्स को ओनली 3 ग्रुप में बनाना है सर, इनको 3 क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई करना है, नंबर 1 ए, नंबर 2 बी और नंबर 3 सी। इनको 10 आइटम्स है, उनको 3 ग्रुप में बांटना है सर। अच्छा सर, इन 10 आइटम्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, यस। और वो ग्रुप कौन कौन से हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, दैट इज क्लासिफिकेशन ए, क्लासिफिकेशन बी, क्लासिफिकेशन सी। ए में हाईएस्ट कॉस्ट वाले, बी में मॉडरेट कॉस्ट वाले और सी में लोएस्ट कॉस्ट वाले आइटम आएंगे। अच्छा सर हाँ, तो हमें इन 10 आइटम्स को किसमें बांटना है सर, एबीसी क्लासिफिकेशन में बांटना है, एबीसी में। ए में सबसे हाईएस्ट कॉस्ट, सी में सबसे लोएस्ट कॉस्ट और बी में मॉडरेट कॉस्ट के आइटम आते हैं सर। क्लियर? तो सर हमें पता कैसे चलेगा इसमें हाईएस्ट कॉस्ट का आइटम कौन सा है, लोएस्ट कॉस्ट का कौन सा आइटम है? तो सर उसके निकालने के लिए, कॉस्ट निकालने के लिए प्रोडक्ट की, आपको उसकी एनुअल कंजम्पशन भी दी हुई है और इसका एक यूनिट का प्राइस भी दिया हुआ है कि एक यूनिट के प्राइस कितना आता है, 10 पैसे, और प्राइस दिया हुआ पैसों में कि 500 एक आइटम की 30,000 यूनिट्स पूरे साल भर में लगेगी और एक यूनिट प्राइस है 10 पैसे का, तो आपको कॉस्ट पता चल जाएगी सर, यस और नो? तो सर कैसे करना है इस क्वेश्चन को आप ये बताएं, डाटा तो सब कुछ दिया हुआ है, करना क्या है, स्टेप्स क्या लेने हैं सर? तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एबीसी एनालिसिस का क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले आप जितने भी आइटम्स दिए हैं इसकी सबसे पहले टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए। पहला काम क्या करना चाहिए, जितने भी आइटम्स दिए सबकी टोटल कॉस्ट निकालिए, ठीक है, और उसके बेसिस सबसे पहले रैंकिंग कर दीजिए। ये सब काम आप वर्किंग नोट में करें, ठीक है। तो रैंकिंग कैसे करें, जो सबसे महंगे उसको नंबर 1 रैंकिंग, जो उससे सस्ता है उसको 2 नंबर, जो उससे भी सस्ता है उसको 3 नंबर, तो इस तरीके से रैंकिंग कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या निकालना है, सारे आइटम्स की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद उन आइटम्स की क्या कर दीजिए सर, रैंकिंग कर दीजिए, और रैंकिंग जैसे पता चल जाएगी आपको, अब क्लासिफिकेशन बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये काम आपको करना है सर वर्किंग नोट में, इसमें करना है वर्किंग नोट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सर रैंकिंग देने का काम, ठीक है। चलिए हमारा आंसर नंबर 1 है, आंसर नंबर 1 है सर, ठीक है। पेज नंबर हमारी बुक का है 2.3। सबसे पहले वर्किंग नोट में काम करेंगे सर, वर्किंग नोट नंबर 1 में हम काम करेंगे, तो बताएंगे सर स्टेटमेंट शोइंग रैंकिंग, और रैंकिंग किसके बेसिस पे करनी है, उसकी कॉस्ट के बेसिस पे। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख दीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉस्ट, उनकी कॉस्ट के बेसिस पे आपको सर रैंकिंग करनी है। अच्छा सर हाँ जी, तो सर अब आप हमें टोटल कॉस्ट के बेस पर रैंक करना सिखाओगे? मैंने बोला बिल्कुल सिखाऊंगा, तो सर सिखाइए। तो लिखिए सर मॉडल नंबर, सारे पहले आइटम्स के नाम लिख लीजिए। तो सर 10 आइटम्स है, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, ठीक है हाँ जी। अब इन सब आइटम्स की लिखिए एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन लिखिए इन सब आइटम्स की सर, तभी तो टोटल कॉस्ट निकलेगी सर। चलिए कि कितनी पूरे साल में यूनिट्स कंज्यूम होती हैं सर, क्वेश्चन में गिवन है सर, गिवन है तो दिखाएं सर, तो दी हुई है, ठीक है। तो इसको आप अपनी बुक से ही पूरा नोट कर दीजिए, तो मेरे पास बुक है तो मैं वहीं से नोट कर देता हूं। इसकी आएगी 30,000, इसकी आएगी 2,80,000, इसकी आएगी सर 3,000, इसकी आएगी 1,10,000, इसकी आएगी 4,000, इसकी आएगी 2,20,000, इसकी आएगी 15,000, इसकी आएगी 80,000,
इसके बाद आएगी 60,000 और उसके बाद आएगी 8,000। तो आपको कंजम्पशन दी हुई है, यूनिट्स दी हुई है और यूनिट का प्राइस भी दिया हुआ है, एक यूनिट का प्राइस कितना है और पैसे में गिवन है सर, पैसों में। इसका प्राइस है 10 पैसे, इसका है 15 पैसा, इसका है 10 पैसा, इसका है 5 पैसा, इसका है 5 पैसा, इसका है 10 पैसा, इसका है फिर 5 पैसा, इसका फिर 5 पैसा, इसका 15 पैसा, इसका 10 पैसा चलेगा। तो आपको कंजम्पशन भी पता चल गई सर, कितनी यूनिट्स की कंजम्पशन है इनकी और एक यूनिट का प्राइस कितना है। तो टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं सर इनकी। अब तो सर हमारे लिए बहुत आसान काम हो गया, एनुअल कंजम्पशन को मैं ए मान लेता हूं और यूनिट प्राइस को बी कॉलम मान लेता हूं। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, कॉलम ए मल्टीप्लाई बाय कॉलम बी, यस और नो चलेगा? तो करें जरा, एनुअल कंजम्पशन है इसकी 30,000 यूनिट की, कितनी है बेटा 30,000 यूनिट की, और एक यूनिट का प्राइस 10 पैसा। तो सर प्राइस टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 3,00,000 पैसे, 3,00,000 पैसे। अच्छा सर पैसे, तो सर इसको एक काम ना करो रुपीस में कन्वर्ट कर दें। हाँ, तो 1 रुपए में 100 पैसा होता है, तो उसको 100 से डिवाइड कर दे चलोगे सारे फिगर्स को, तो ये सारा अमाउंट किसमें निकल जाएगा, रुपी में। तो 3,00,000 पैसे है, तो उसको डिवाइड बाय 100 भी कर दीजिए, इसको डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, तो हमारे आ जाएगा 3,000 रुपया, 3,000 रुपीज आ जाएगा सर। बड़ा सिंपल हो जाएगा काम। इसलिए बात कैसे करना है, 30,000 × 10 / 100, ठीक है जी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा 3,000 रुपया। दूसरा करें सर, 2,80,000 × 15 पैसा, ठीक है, तो आप निकाल लीजिए सर 2,80,000, कैलकुलेटर लीजिए सर, 2,80,000 × 15 कितना आ गया सर 42,00,000 पैसा, इसको डिवाइड कर दीजिए किससे 100 से, तो कितना आ गया 42,000 रुपया। आई होप अब आपको ये टोटल कॉस्ट निकालनी आ गई होगी। तो अब मैं इसको सीधा अपनी तरफ से डायरेक्टली लिख देता हूं, इसका आएगा 300, इसका आएगा 5,500, इसका आएगा 200, ठीक है, 40,000 × 5/100, ठीक है, इसका आएगा 22,000, इसका आएगा सर 750, ठीक है, इसका आएगा आपके पास कितना 4,000, इसका फिर आएगा 9,000 और इसका कितना आएगा सर 800, क्लियर? तो इस तरीके से आपका टोटल कॉस्ट आ गई, क्लियर? हर आइटम्स की इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी। अब सर रैंकिंग कर सकते हैं सर, अब तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है रैंकिंग करना, तो सर रैंकिंग करवा दो, रैंकिंग कर लो। सबसे महंगा कौन सा आइटम लग रहा है इसमें, मुझे तो सबसे महंगा तो यही है, रैंक नंबर 1 जाएगी इसकी 42,000। उसके बाद दूसरे नंबर पे मुझे 22,000 की फिगर नजर आती है, 22,000 से नीचे है अपना आई थिंक 9,000 से नीचे है अपना 5,500 से नीचे है अपना 4,000 से नीचे है अपना दिस वन 6 नंबर आएगा सर, 3,000 से नीचे है दिस 7 नंबर, फिर 8 नंबर, फिर 9 नंबर एंड देन 10 नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास रैंकिंग आ गई सर। चलिए, तो हमने पहला काम कर लिया सर, हमने ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, उनकी कॉस्ट के बेसिस पर रैंकिंग कर ली, वर्किंग नोट वाला काम कर लिया, ठीक है। चलिए, अब इस वर्किंग नोट में ना मैं एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स और करवा रहा हूं आपसे, इस वर्किंग नोट को बनाने में आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज्यादा कष्ट हुआ होगा, ठीक है चलेगा, लेकिन इसमें मैं आप सर एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स करवा रहा हूं इस वर्किंग नोट में। सर क्या एफर्ट्स करवा रहे जरा सुनिएगा, मैं ना इसे परसेंटेज फॉर्म में भी निकलवाना चाहता हूं। जैसे आपको पता है कि इसकी कॉस्ट 3,000 है, इसकी 42,000, इसकी 300 है, तो ये काम मैं इसी वर्किंग नोट में करा रहा हूं, जिससे कि हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा उसमें हमें एफर्ट्स कम लगाने पड़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं सर इसकी टोटल कॉस्ट, इन 10 आइटम्स की टोटल कॉस्ट कितनी आई है, 10 की टोटल कॉस्ट कितनी आई है। तो आपको टोटलिंग करनी है, सबसे पहले टोटलिंग करनी है इनकी, करें 3,000 + 42,000 + 300 + 5,500 + 200 + 22,000 + 22,000 + 750 + 750 + 4,000 + 9,000 + 800,
तो सबसे पहले मैंने निकाला कि इन सबकी कॉस्टिंग आई है हमारी 87550, ठीक है, टोटल पूरे साल भर में 10 आइटम्स की टोटल कॉस्ट आई है 87550, क्लियर। रैंकिंग मुझे मिल चुकी है, लेकिन मैं इसमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगवा रहा हूं सर, क्या कि परसेंटेज ऑफ ईच आइटम निकलवा रहा हूं सर इन टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में हर आइटम का कितना परसेंटेज आएगा, टोटल कॉस्ट में हर आइटम का कितना परसेंट आएगा। जैसे मुझे पता है पूरे साल भर की टोटल कॉस्ट कितनी आई है 87550, बोलो ठीक है, इसमें 501 आइटम का कितना हिस्सा है, कितना परसेंट है 501 टोटल कॉस्ट में सर। तो सिंपली निकाल सकते हैं हम लोग कैसे, 3000 डिवाइडेड बाय 87550 इंटू 100, तो 501 की परसेंटेज निकल के आ जाएगी सर। बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल सर। चलिए अब इसका करेंगे कैसे निकलेगा, वही 42000 डिवाइडेड बाय 87550 इंटू 100, इसका परसेंटेज निकल जाएगा सर। ऐसे इसका निकालें 300 डिवाइड बाय 87550 इंटू 100, तो इन सबका परसेंटेज कैलकुलेट करना है सर कि टोटल कॉस्ट में इंडिविजुअल आइटम का कितना परसेंटेज है, निकालें जरा। सब लोग कैलकुलेशन करें अपनी अपनी, मैं अपनी कर रहा हूं आप अपनी करें। 87550 इंटू 100 तो इसका आ रहा है सर 3.43% अप्रोक्स, का 42000 डिवाइडेड बाय 87550 इनटू 100 47.97% यानी 300 डिवाइड बाय 87550 इनटू 100 यानी 0.34%। ये आएगा 5500 डिवाइडेड बाय 87550 इंटू 100 6.28%। ये कितना आएगा सर 200 डिवाइड बाय 87550 इंटू 100 आएगा 0.23%, 0.23%। उसके बाद ये आएगा 22000 डिवाइडेड बाय 87550 इंटू 100 आएगा 25.13%। ये 750 डिवाइडेड बाय 87550 इनटू 100 ये आएगा आपका 0.86%। 4000 डिवाइडेड बाय 87550 इनटू 100 4.57%। ये 9000 डिवाइडेड बाय 87550 इनटू 100 ये आएगा 10.28%। और लास्ट है सर 800 डिवाइडेड बाय 87550 इनटू 100 ये आएगा 0.91%। ठीक है, हमने सबकी परसेंटेज निकाल ली कि टोटल कॉस्ट में सबकी इंडिपेंडेंट परसेंटेज कितनी होगी। और आपको एक बार मजे की बताऊं, टोटल परसेंटेज हमेशा 100% ही होती है, ठीक है ना, टोटल परसेंट कितनी होती है 100। अच्छा एक बात बताता हूं कि कई बार आप ना इसको टोटल करोगे ना, हो सकता है 100 टोटल ना बैठे सर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है सर। क्यों? बिकॉज हम यहाँ पे ना राउंड ऑफ करके लिख देते हैं सर, ठीक है, आर ही होती है 4 डिजिट, हमने राउंड ऑफ करके 0.43 लिख दिया बस। तो राउंडिंग ऑफ के चक्कर में टोटल हो सकता है 100% ना रहा हो जो कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन आपको पता है सर टोटल तो हमेशा 100 ही होता है, किसी ना किसी राउंडिंग ऑफ एरर के कारण नहीं आ रहा, तो उसको इग्नोर कर देना, डायरेक्ट टेंशन मत पालना कि क्यों नहीं आ रहा 100%। ठीक है सर, ने तो 100% बोला था, हमारा तो 100 आई नहीं रहा सर, ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया, ऐसे कैसे फिजिबल हो गया, तो उसकी टेंशन मत पालना, क्योंकि हम राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है कैलकुलेटर से हम सबका टोटल करोगे तो 100 के आसपास आए, 100 ना आए पूरा, लेकिन होता 100 ही है। अच्छा सर, हाँ तो सर आपने इस वर्किंग नोट में हमें क्या क्या करवा दिया, इस वर्किंग नोट के अंदर मैंने आपको एक तो रैंकिंग करवा दी प्रोडक्ट की, बोले ठीक है, और ऊपर से मैंने एक एक्स्ट्रा वर्किंग और करवा दी यहां पर, क्या कि हर आइटम की टोटल कॉस्ट में कितनी परसेंटेज है वो भी आपको कैलकुलेट करवा दिया। सर ये क्यों करवाया आपने सर, इसका रीजन अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर लेते हैं। आइए अब सॉल्यूशन करते हैं मेन, ठीक है, तो मेन सॉल्यूशन कर रहे हैं सर, तो स्टेटमेंट शोइंग
वॉट एबीसी क्लासिफिकेशन। तो अब स्टेटमेंट बना रहा हूं, इस स्टेटमेंट के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, एबीसी क्लासिफिकेशन शो होगी सर, ठीक है चलेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे मॉडल नंबर, मॉडल नंबर एज पर रैंकिंग, ठीक है मॉडल नंबर एज पर रैंकिंग, रैंकिंग के हिसाब से लिखे सर। सबसे पहली रैंकिंग है 502 की, सबसे महंगा आइटम सबसे पहले लिखे सर, क्योंकि उसी को तो ए में डालना है। तो 502 की सबसे नंबर वन रैंकिंग है, दो पे किसकी है सर, दो पे है 506 की, दो पे उसको डाल दीजिए। उसके बाद, उसके बाद थ्री पे है 509, फोर पे कौन है जी, फोर पे हारा है मेरा 5044 पे है सर। फाइव पे कौन आ रहा है सर, फाइव पे आ रहा है 508, ओके। उसके बाद सिक्स पे कौन है सर, सिक्स पे आ रहा है मेरा 501। सेवन पे कौन है सर, सेवन पे मेरा है 510 मेरा सेवन पे है। एट पे कौन है सर, एट पे मेरा 507 507 मेरा एट पे है। नाइन पे कौन है जी बाबूजी, नाइन पे है हमारा 503। और टेन पे कौन है सर, टेन पे है सर 505। तो हमने सारी रैंकिंग कर ली 505 से, ठीक है 10 पे हमारा 505, क्लियर। तो हमारे सारी रैंकिंग कर ली सर, और रैंकिंग के हिसाब से हमने मॉडल नंबर को यहां पर लिख दिया। अब सबके परसेंटेज मिल जाएगी, परसेंटेज इन टोटल कॉस्ट, सबके परसेंटेज मिल जाएगी टोटल कॉस्ट में बताना। 502 की कितनी है, 502 की है सर, परसेंटेज निकालनी है 47.97%, 47.97%। 506 की कितनी है जी, 25.13। 509 की कितनी है जी, 10.28। 504 की कितनी है जी, 504 की है 6.28%। 508 की कितनी है, 4.57%। 501 की कितनी है, 3.43%। 510 की कितनी है, 0.91%। 507 की कितनी है, 0.86%। 503 की कितनी है, 0.34%। 505 की कितनी है सर, 505 की है 0.23%, ठीक है चलिएगा। तो हमें सारी परसेंटेज मिल गई, सारे आइटम्स की। अब मुझे बताना सर एबीसी क्लासिफिकेशन करनी है, जब जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कैटेगरी ए में टोटल कॉस्ट अप्रोक्सीमेट कितनी होती है, 70-70%, बोलिए यस और नो। तो कैटेगरी ए में टोटल कॉस्ट होती है अप्रोक्सीमेट 70%, और मुझे लगता है कि अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो 70 के आसपास ही पहुंचेगी फिगर। देखो 47-25, तो 70 के आसपास पहुंचेगी, आसपास, अप्रोक्स का मतलब आसपास पहुंचानी है, एग्जैक्ट 70 पहुंचाना तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा जी, ठीक है चलिए वो नहीं होता, आसपास पहुंचानी है, तभी मैंने अप्रोक्स वर्ड लिखा था। तो इसका देखो टोटल करके आएगा 73.10%। तो ये दो आइटम्स मेरे हिसाब से कैटेगरी ए में चले गए, क्योंकि इन दोनों की कॉस्ट मिला के 70 के आसपास पहुंच रही है, ठीक है चलेगा। अब मुझे पहुंचानी है कैटेगरी बी में कितनी कॉस्ट होती है अप्रोक्स 20, तो 10, 6 और 4 इनको ऐड करूंगा, तो इन तीनों को ऐड करने से ये करीब कहां पहुंच रहा है सर, 20 के अप्रोक्स पहुंच जाएगा मुझे लगता है। आप टोटल कर लें, 10.28 प्लस 6.28 प्लस 4.57, तो 21.13, देखा ये 20 के आसपास पहुंच गया, 21.13
परसेंट, कैटेगरी बी में चले जाएंगे आइटम्स, और बाद बाकी सारे बचे हुए कहां चले जाएंगे, कैटेगरी सी में। तो इनका टोटल कर लो जरा, 3.43 प्लस 0.91 प्लस 0.86 प्लस 0.34 प्लस 0.23, ये हो गया 5.77% अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और ये कहां चले गए आपके, कैटेगरी सी में चले गए, ये चले गए कैटेगरी सी में। तो ये दो आइटम्स तो पहुंच गए सर हमारे पास ए में, सॉरी ये दो आइटम कहां पहुंच गए, कैटेगरी ए में जिसका परसेंटेज 73.10%, ये तीन आइटम पहुंच गए कैटेगरी बी में जिसका 21.13%, और ये बचे हुए पांच आइटम पहुंच गए कहां पे, कैटेगरी सी में जिसका है 5.73, मतलब 10 के आसपास चलेगा। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन हो गई, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा ये क्लियर हो गया, 73.10 लिख देते हैं उस आज से 73.10%, ठीक है, इसको हाईलाइट कर दे, चलेगा क्लियर। तो हमारा कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी क्लियर हो गया सर, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं बच्चों इसमें ना एक बात बताने वाला हूं, जरा उस बात पे फोकस करना, एक बात में मैं प्रकाश डालने वाला हूं, जरा सुनिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं सर इसके अंदर। सर क्या बात है जरा बताएं, सुनिएगा। कई बच्चों के मन में आता है, मैं अब रेड पेन से कर रहा हूं जो चीज वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, ये समझाने के लिए कर रहा हूं, क्लियर, और थोड़ा मोटा और लिख कर देता हूं उसको, ठीक है, इसको आपको समझने के लिए होगा सर ये सब चीजें, क्लियर। तो ये आपके समझने के लिए चीजें, आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए रेड पेन से लिख रहा हूं मैं उसको, ठीक है, चलेगा। कई बच्चों के मन में चलता है कि सर कैटेगरी ए में 70% के अप्रोक्स पहुंचाना था, तो आप केवल आइटम इसको रख लेते, इस वाले आइटम को ऐड नहीं करते। रेड से जो लिख रहा हूं वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं, ध्यान रखना, केवल समझाने के लिए लिख रहा हूं, केवल एक आइटम को कैटेगरी ए में रख लेते सर, ओनली 502 नंबर वाले आइटम को, मैंने बोला बिल्कुल 502 वाले को ए में रख लेते, दूसरा आइटम ऐड करने की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी। मैंने बोला कि सर अगर हम ऐसा करते तो हम गलत कर देते, हम क्या कर देते, गलत कर देते। अच्छा सर क्यों, जरा सुनिएगा, क्यों, क्यों का रीजन समझना। मैंने कहा कैटेगरी ए में आपका टोटल आना चाहिए 70% अप्रोक्स, बोलो यस, 70% अप्रोक्स। अगर मैं मैं केवल आइटम कौन से को लेता, 502 नंबर के आइटम को ले लेता, तो मेरा परसेंटेज कितना आता, 47.97%, बोलो ठीक है। तो 70 से मैं कितना कम पहुंच गया, 70 से कितना परसेंट डिफरेंस आ गया, मेरा होना चाहिए कैटेगरी ए में 70, और अगर मैं कैटेगरी ए में ओनली 502 नंबर वाले आइटम को ले लू, 506 वाले को लू ही ना, तो मुझे बताना कितना डिफरेंस आ गया, 70 माइनस 47.97, तो मेरा डिफरेंस आ गया 22% अप्रोक्सीमेटली, 22.03% का 70 से। लेकिन जैसे ही मैंने 502 को भी ऐड किया और 506 को भी इसमें ऐड किया, मेरा 77.10 आ गया। अब मैं इसका डिफरेंस निकालू 70 से तो कितना आ रहा है, 77.10 माइनस 70, 3.10% का। तो मुझे बताना 70 के आसपास फिगर कौन सी आती है, 506 आइटम को लेने के बाद या छोड़ने के बाद। अगर 506 आइटम को छोड़ दिया तो फिगर आती है 47.97% ओनली, हमारा डिफरेंस आ जाएगा 22.03 का, ठीक है। और 506 को ले लूं तो मेरी टोटल फिगर आती है 73.10 और डिफरेंस रह जाएगा ओनली 3.10% का। तो मुझे लेने में डिफरेंस कम आ रहा है ना 70 से, यस और नो, इसलिए हमने कहा कि आपको 70 के आसपास फिगर लानी है, 70 को आसपास फिगर लानी है, तो उस फिगर को लाने के लिए 502 506 को ऐड कर दो तो बेटर रहेगा सर, क्लियर। हाँ नंबर टू, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लगाओ। कई बार कहते हैं सर, हाँ कई बार लोग कहेंगे मैं इसको उससे कर रहा हूं, हाँ मैं इस करूंगा इसको आपके ग्रीन से कर लेता हूं, ये जो बात करवा रहा हूं वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं, केवल समझाने के लिए। कई बार लोग कहते हैं केवल दो आइटम को ले लेते हैं यहां पर कैटेगरी वी में, इसको मत लेते सर। मैंने कहा अच्छा, फिर सेम फॉर्मूला लगा के देखते हैं,
अगर मैं कैटेगरी बी में कितना चाहिए होता, 20% चाहिए होता है, बोलो हाँ, और केवल 509 एंड 504 को ले लूं, तो टोटल परसेंटेज कितना हो गया मेरा, निकालना, 10.28 प्लस 6.28 मेरा टोटल हो जाएगा 16.56, कितना हो जाएगा 16.56, क्लियर। तो डिफरेंस कितना आ गया, 20 से कितना डाउन रहेगा बताना, 20 माइनस 16.56, तो 3.44% हमारा डाउन रह गया ये, क्लियर। लेकिन लेकिन जैसे ही मैंने 508 को ऐड किया तो परसेंटेज कितना बन गया, 21.13। अब 20 से डिफरेंस कितना रहेगा, ओनली 1.13, तो डिफरेंस कहां पे कम है 20 से, जब मैं 508 को ले लेता हूं। तो अल्टीमेटली उसकी फिगर आसपास रखनी है, 20 के आसपास ले जानी है, ऊपर में 70 के आसपास ले जानी है, ठीक है। उसके बाद बचा हुआ तो कूड़ा ही होता है सर, है ना, चलेगा। तो इसलिए मैंने आपको बता दूं कि कौन कौन सा आइटम किस तरीके से ऐड करना है, क्या सोचना है उस समय पे, कि हमें फिगर को उस 70 के आसपास, 20 के आसपास ले जानी है, उनसे जितना डिफरेंस कम हो सके उतना डिफरेंस कम लाने की कोशिश करनी है, क्लियर, चलेगा। तो आई होप आपको एबीसी एनालिसिस क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, चलिएगा। सर अब आप क्या स्टार्ट करने वाले, जरा सुनिएगा, अब मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं आपके लिए, इन्वेंटरी कंट्रोल की टेक्निक नंबर 2, आप हेडिंग डाल सकते हैं उसकी, डिसाइडिंग ऑर्डरिंग क्वांटिटी, जिसको हम लोग प्यार से इस टॉपिक का नाम बोलेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, डेट इज ईओक्यू, प्यार से इसको ईओक्यू देते हैं सर नाम, ईओक्यू, ठीक है। तो अब मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, डिसाइडिंग ऑर्डरिंग क्वांटिटी, इसको हम प्यार से बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। चलिए, तो एबीसी एनालिसिस का टॉपिक मैंने कवर कर दिया है, मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। चलिए सर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, उसको बताने से पहले मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ये ऑर्डरिंग क्वांटिटी क्या होती है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूंगा सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डरिंग क्वांटिटी। एडिंग डालेंगे सबसे पहले मीनिंग ऑफ ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ऑर्डरिंग क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डरिंग क्वांटिटी, समझ रहे हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डरिंग क्वांटिटी का क्या मतलब है, उसके बाद इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी समझेंगे। जरा सुनना, मान लीजिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, जरा सुनना पहले ऑर्डरिंग क्वांटिटी का मतलब समझना, एक्स लिमिटेड ये उसका सप्लायर है, सप्लायर जिससे रॉ मटेरियल हम परचेस करते हैं, कच्चा माल जिससे हम परचेस करते हैं, ठीक है। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लीजिए इसको एक रॉ मटेरियल परचेस करना होता है, रॉ मटेरियल का नाम है एक्स, रॉ मटेरियल एक्स इसको परचेस करना है, और इसकी जो एनुअल रिक्वायरमेंट है इस रॉ मटेरियल एक्स की, एनुअल रिक्वायरमेंट है उसकी 100,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है पूरे साल भर में, पूरे साल भर में कंपनी एक्स लिमिटेड को 100,000 यूनिट्स रॉ मटेरियल की नीड पड़ती है सर, कंपनी एक्स जो है उसको रॉ मटेरियल एक्स की 100,000 यूनिट्स की नीड पड़ती है पूरे साल भर में, अच्छा जी, हाँ जी। अब सर क्वेश्चन आता है, अब हमें इसको इसको ऑर्डर प्लेस करना है सर, मंगवाने के लिए कि सर रॉ मटेरियल मंगवाना है तो ऑर्डर प्लेस करना है, यस और नो, ऑर्डर तो देना पड़ेगा तभी तो भिजवाएगा। तो सर एक बार में मैं कितनी क्वांटिटी मंगवाऊं, हाउ मच क्वांटिटी इज टू बी ऑर्डर्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो सर क्वेश्चन आता है ये कि इस एक्स लिमिटेड को रॉ मटेरियल एक्स की नीड पड़ती है साल में 100,000 यूनिट्स की। अब सर क्वेश्चन आता है उसको ऑर्डर प्लेस करना है सर, किसको, सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करना है, सप्लायर को, तो कितनी क्वांटिटी एक बार में ऑर्डर प्लेस की जाए,
कितनी क्वांटिटी का एक बार में ऑर्डर प्लेस किया जाए, हाउ मच क्वांटिटी, क्या एक बार में 1,00,000 यूनिट्स मंगवाई जाए, क्या एक बार में 10,000 यूनिट्स मंगवाई जाए, एक बार में 20,000 यूनिट्स का ऑर्डर किया जाए, तो उस क्वांटिटी को, जिस क्वांटिटी को एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ऑर्डर करना है, क्वांटिटी इज टू बी ऑर्डर्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, एक बार में कितनी यूनिट्स सप्लायर को ऑर्डर करनी है, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ऑर्डरिंग क्वांटिटी, क्या बोलते हैं उसको अपन लोग, ऑर्डरिंग क्वांटिटी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा सर, तो इसका मतलब समझ में आ गया, तो यहीं से आप डेफिनेशन को लिख देना सर, क्लियर, क्या डेफिनेशन बन गई कि एक बार में कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना है, उसी को बोलते हैं हम लोग ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ठीक है। इट मे बी, एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो, इट मे बी, मे बी से 10,000 भी हो सकती है, एक बार में 10,000 यूनिट्स मंगवा रहे हो, 20,000 भी हो सकती है, 25,000 भी हो सकती है, एटसेट्रा, ये बात। तो इस तरीके से हमारी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डरिंग क्वांटिटी हो सकती है, ओके। अच्छा, तो इस वाले टॉपिक के अंदर हम लोग वही डिसाइड करना सीखेंगे कि एक बार में कितनी क्वांटिटी का हम लोग ऑर्डर प्लेस करें अपने सप्लायर को। अच्छा जी, हाँ ये सिखा रहे हो, यस, चलिए। लेकिन इस चीज को सिखाने से पहले मैं दो टर्म्स डिस्कस करने वाला हूं, लिखूंगा टू टर्म्स एसोसिएटेड विथ ऑर्डरिंग क्वांटिटी। सर मैं इस टॉपिक को सिखाने से पहले आपको दो टर्म्स डिस्कस करने वाला हूं जो ऑर्डरिंग क्वांटिटी से रिलेटेड टर्म्स हैं, जो आपको पता होने चाहिए सर। इस कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले उन दो टर्म्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जो किससे रिलेटेड टर्म्स है सर, ऑर्डरिंग क्वांटिटी से रिलेटेड टर्म्स है सर, वो टू टर्म्स। अच्छा सर, वो कौन कौन से टर्म्स है जरा बताएंगे? यस डेफिनेटली बताएंगे सर, वो टर्म्स कौन कौन सी बताएंगे? डेफिनेटली बताएंगे। पहली टर्म है सर रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी, और दूसरी टर्म है सर क्या, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसी को हम बोलते प्यार से आरओक्यू, और इसको प्यार से बोलते हैं हम लोग ईओक्यू। अच्छा सर, हाँ ये दो टर्म्स हैं, किससे रिलेटेड है बताना बच्चों, ऑर्डरिंग क्वांटिटी से रिलेटेड ये दो टर्म्स है सर, आरओक्यू और ईओक्यू। पहले मैं इन दो टर्म्स के बारे में आपको डिटेल डिस्कशन करूंगा, ठीक है, चलेगा। पहले इसको मैं एक केस के थ्रू बताता हूं, एक केस तो समझना। मान ली वही कंपनी है सर एक्स लिमिटेड, इसको रॉ मटेरियल एक्स की नीड पड़ती है, और एनुअल रिक्वायरमेंट इस रॉ मटेरियल कितनी है, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है इस रॉ मटेरियल की सर, मान लीजिए आपके 1,00,000 यूनिट्स, ठीक है। अब सर इसको डिसाइड क्या करनी है, ऑर्डरिंग क्वांटिटी, क्या डिसाइड करनी है इसको, ऑर्डरिंग क्वांटिटी, कि एक बार में कितनी क्वांटिटी मैं ऑर्डर प्लेस करूं, क्लियर, एक बार में कितनी क्वांटिटी ऑर्डर प्लेस करूं, एक्स लिमिटेड को डिसाइड करना है। अच्छा जी, हाँ। अब इसने क्या करा, अपने बहुत सारे लोगों से डिस्कशन किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया, राम से डिस्कशन किया, श्याम से डिस्कशन किया, मोहन से डिस्कशन किया, रोहन से डिस्कशन किया, सोहन से डिस्कशन किया, बहुत सारे लोगों से डिस्कशन किया कि भैया एक बार में कितना मंगवा, बताओ ना यार, बताओ ना यार, बताओ ना यार, सब ने अपनी अपनी ओपिनियन दे दी। राम ने कहा 10,000 मंगवा लो, श्याम ने कहा 15,000 मंगवा लो, मोहन ने कहा 20,000 मंगवा लो, इसने कहा 25,000 मंगवा लो, और इसने कहा 50,000 मंगवा लो एक बार में। सब ने अपनी अपनी ओपिनियन रख ली, किसी ने कहा एक बार 10,000 मंगवा लो, एक ने कहा 15,000 मंगवा लो, इसने कहा 20,000 मंगवा लो, एक ने कहा 25,000 मंगवा लो, एक ने कहा 50,000 मंगवा लो एक बार में। भाई समझ में आ रही है बात? तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये क्या है सर, ऑर्डर क्वांटिटी करने के बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए सर क्या, ऑर्डरिंग क्वांटिटी के। अब सर क्वेश्चन मेरे सामने ये आता है, सर बात मानूं किसकी, अगर मैं राम की बात मान गया तो बाकी चार नाराज, श्याम की बात मांगने का तो बाकी चार नाराज, इसका मतलब किसी भी एक की बात मानूंगा तो बाकी तो नाराज होने ही होने, अब किसकी बात मानूं सर, क्योंकि ऑर्डरिंग क्वांटिटी के तो बहुत सारे ऑप्शंस मेरे सामने आ गए, राम ने अलग बोला, श्याम ने अलग बोला, मोहन ने अलग बोला, रोहन ने अलग बोला, सोन ने अलग बोला, सब ने अलग अलग बोल दिया। तो ये क्या है, दीज आर द वेरियस ऑप्शंस ऑफ ऑर्डरिंग क्वांटिटी,
और इन वेरियस ऑप्शंस को बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं सर इसको? रीऑर्डर क्वांटिटी। जो वेरियस ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं रिगार्डिंग ऑर्डरिंग क्वांटिटी, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग सर क्या? इनको बोलते हैं अपन लोग क्या? इनको बोलते हैं हम लोग आरओक्यू। क्या बोलते हैं इनको? आरओक्यू। समझ में आ गई बात? तो लिखा हुआ है सर वेरियस ऑप्शंस ऑफ ऑर्डरिंग क्वांटिटी अवेलेबल। और ये सर वेरियस ऑप्शंस कहां से मिल सकते हैं आपको? सप्लायर दे सकता है और बहुत सारे लोग आपको वेरियस ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो सर किसकी बात मानूं? तो सर अब हमें इसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। किसी की बात नहीं मानी सर, इसी आरओक्यूज में से, इन आरओक्यूज में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है सर। क्या सिलेक्ट करना है? एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है जहां पे टोटल कॉस्ट, जहां पे टोटल कॉस्ट मेरी क्या होगी? मिनिमम। क्योंकि अल्टीमेटली सर चैप्टर का पर्पस तो क्या है? टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। बोलो यस और नो? कहीं ना कहीं चैप्टर को पढ़ने का हमारा पर्पस ही क्या है? टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना, कम करना। बोली हाँ ना? तो सर हमें अल्टीमेटली करना क्या है? इन आर ओ क्यूज में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना जहां पर टोटल कॉस्ट मिनिमम हो, और उसी ऑप्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? ईओ क्यू बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं उसको? ईओ क्यू, दैट द ऑप्शन एट विच टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। ठीक है? तो सर क्लियर हो गई बात? तो हमारे को बहुत सारे ऑर्डरिंग क्वांटिटी के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन ऑप्शंस को बोला आरओक्यू, उस आरओक्यू में से मैंने एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया जहां पे मेरी कॉस्टिंग सबसे कम आ रही हो, और उस ऑप्शन को हम बोल सकते हैं क्या? ईओक्यू। क्या बोलते हैं उसको? ईओक्यू, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उसके बारे में अगर लिखना चाहते हो लाइन लिख सकते हैं, ठीक है ना? द ऑप्शन, दैट ऑप्शन ऑफ आरओक्यू एट विच टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। क्या टोटल कॉस्ट क्या आ रही सबसे? मिनिमम आ रही, सबसे कम आ रही, उसी को बोलते हैं हम लोग सर क्या? ईओक्यू। क्या बोलते हैं उसको? ईओक्यू। द ऑप्शन ऑफ आरओक्यू एट दिस टोटल कॉस्ट इज मिनिमम इज कॉल्ड माय ईओक्यू। तो सर ये भी क्लियर हो गया, आरओक्यू और ईओक्यू दो टर्म्स भी क्लियर हो गई सर। चलेगा अब सर, अब क्या? अब जरा सुनिएगा मेरी बातों को, जरा समझना। इस एनालिसिस से आपको क्लियर हो गया, हमारे पास आरओक्यू के हमारे केस में पांच ऑप्शन थे। क्या पांचों के पांचों ईओक्यू बन जाएंगे? क्या पांचों के पांचों ईओक्यू बन जाएंगे? बोलो नहीं, नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब सारे आरओक्यू ईओक्यू नहीं बनते। इसका मतलब ऑल आरओक्यूज आर नॉट ईओक्यू। बट ईओक्यू सिलेक्शन कहां से होती है? निकल के तो आरओक्यू में से आता नहीं आता, बट ऑल ईओक्यूज आर व्हाट? आरओक्यू। समझ में आ गई बात? सारे के सारे जितने भी रीऑर्डर क्वांटिटी के ऑप्शन है वो क्या नहीं बनते? मेरे ईओक्यू नहीं बनते। सारे ऑप्शंस हमारे क्या नहीं बनते बताना बच्चों? सारे आरओक्यू के ऑप्शन मेरे ईओक्यू नहीं होते। ऑल आरओक्यूज आर नॉट ईओक्यू, बट ऑल ईओक्यूज क्या होते हैं हमारे? आरओक्यू होते हैं। यस और नो? चलिए नोट कर लीजिएगा एक नोट। ऑल ROQs are not EOQ, but all EOQs are ROQ. Because रीजन ले सकते, because EOQ is selected from ROQ. क्योंकि EOQ selection कहां से होती है सर? EOQ की जो selection होती है वो ROQ में से ही होती है सर। सारे ईओक्यू की सिलेक्शन कहां से होती है? आरओक्यू में से ही होती है। इसलिए हर ईओक्यू आरओक्यू तो होता ही है। अच्छा एक बात और जरा सुनना, इन प्रैक्टिकल मतलब मैं टेक्निकल डिफरेंस बता दिया थियोरेटिकली, लेकिन ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन कई बार होता है। क्वेश्चन बोलता है आरओक्यू कैलकुलेट करो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आरओक्यू कैलकुलेट करो। अब आप डाउट में जाते हो सर आरओक्यू कैलकुलेट करो, ये क्या बात हो गई? तो सर ध्यान रखना, वो आरओक्यू कैलकुलेट करने का कह रहा है, तो उसका मतलब वो ईओक्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ना ये ईओक्यू और आरओक्यू टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं। आरओक्यू को ईक्यू बोल देते हैं, ईओक्यू को आरओक्यू बोल देते हैं, आरओक्यू को ईओक्यू, ईओक्यू को आरओक्यू। तो सर टेंशन मत लेना सर, लिख लेना इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन और नोट नंबर टू में डाल देना। इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है ना, आरओक्यू
एंड EOQ टर्म्स मे बी यूज्ड क्या इंटरचेंजेबली, ठीक है ना, इंटरचेंजेबली यूज हो सकती है सर। इसका मतलब EOQ को ROQ बोल सकते हैं और ROQ को EOQ बोल सकते हैं इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। सर ये दो बातें तो हमें क्लियर हो गई है सर, दोनों नोट्स क्लियर हो चुके हैं हमारे को, ठीक है चलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या क्या सब पढ़ा इस टॉपिक में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डरिंग क्वांटिटी। ऑर्डरिंग क्वांटिटी का मतलब है कि पूरे साल की 100,000 की यूनिट्स है कि रिक्वायरमेंट है तो एक बार में कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करें उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग क्वांटिटी। इससे रिलेटेड टू टर्म्स है ROQ और EOQ। ROQ का मतलब जो वेरियस ऑप्शंस होते हैं और EOQ का मतलब जिसपे हमारी टोटल कॉस्ट क्या होती है मिनिमम होती है। ओके और हमें पता चल गया सारे ROQ तो EOQ नहीं बन पाएंगे, लेकिन हाँ हर EOQ ROQ जरूर होगा, क्लियर। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ROQ और EOQ को इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं। चलिए अब सर हमें करना क्या है, सर अब हमें क्या करना है, हमें निकालना सीखना है EOQ। अल्टीमेटली सर हमें EOQ निकालना है जहां पे मेरी कॉस्टिंग सबसे कम आए। तो चलिए तो अब हमें इस EOQ को निकालने के लिए ना कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करना है। तो आज के लिए आज की वीडियो की लास्ट टॉपिक है सर, आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक आज मैं डिस्कस करने वाला हूं 15 से 20 मिनट जो भी इस वीडियो में और लगेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है चलेगा। तो हेडिंग डालेंगे सर फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग EOQ। तो सर अब हमारे पास आते हैं फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड, कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में देने होते हैं व्हाइल डिसाइडिंग द EOQ। EOQ को निकालते समय हमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना पड़ता है, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना है सर। सिंपल सी बात, हमें EOQ निकालना सीखना है, हमें वो ऑर्डरिंग क्वांटिटी निकालने सीखनी है जहां पर मेरी टोटल कॉस्ट मिनिमम हो। तो सर इसको कंसिडर EOQ निकालने के लिए हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में देना बहुत जरूरी है। चलिए तो देयर आर फॉलोइंग फैक्टर्स विच आर कंसिडर्ड वाइल डिसाइडिंग EOQ। जिसको ध्यान में रखना होता है EOQ डिसाइड करते समय, नंबर वन टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, दूसरा फैक्टर टोटल कैरिंग कॉस्ट, तीसरा फैक्टर क्वांटिटी डिस्काउंट। इन तीन चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है व्हाइल डिसाइडिंग द EOQ। इसके अलावा भी जब थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ोगे ना कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में देना है उसमें और ही फैक्टर्स आएंगे, जैसे एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है रॉ मटेरियल की वो भी ध्यान में देना पड़ेगा, तो और भी एक आध फैक्टर्स इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए बेसिकली हम तीन बातों को ध्यान रखेंगे, एक तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड क्वांटिटी डिस्काउंट। एनुअल रिक्वायरमेंट तो चाहिए ही चाहिए सर, बिना एनुअल रिक्वायरमेंट के तो EOQ डिसाइड हो ही नहीं सकता, तो वो तो है ही है एक फैक्टर और वो आपको बुक में मिल ही जाएगा, ठीक है चलेगा। तो एनुअल रिक्वायरमेंट भी एक फैक्टर होता है EOQ डिसाइड करने के लिए, ठीक है। लेकिन हमें मेन पढ़ने हैं सर ये तीन फैक्टर्स, ठीक है, जिसके बेसिस पे हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिसाइड होती है। तो मैं वन बाय वन स्टार्ट करो, पहले स्टार्ट करो सर क्या टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये वन ऑफ द फैक्टर है सर। तो सर ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, पहले मैं हिंदी में लिखता हूं सर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग एन ऑर्डर। एक ऑर्डर को प्लेस करने की सप्लायर को भैया देने की ऑर्डर और ऑर्डर सामान रिसीव करने की जो कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा सर एग्जाम्पल बताएं जब सुनिएगा, मान लीजिए सप्लायर है, ठीक है, और एक कंपनी है, कंपनी कौन है, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, ये एक्स लिमिटेड एक कंपनी है सर, इसको सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करना है, सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। तो ऑर्डर प्लेस करने में सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट तैयार करती है इसको बोलते हैं परचेज ऑर्डर। क्या होता है, परचेज ऑर्डर नाम का एक डॉक्यूमेंट तैयार करती है,
तो उस डॉक्यूमेंट पे प्रिंटिंग कॉस्ट आती होगी नहीं आती होगी सर? एक रुपए की, मान लो एक रुपए की प्रिंटिंग कॉस्ट आती है उस ऑर्डर को, परचेज ऑर्डर का प्रिंट निकालने में, ठीक है। उसके बाद सर इस परचेज ऑर्डर को सप्लायर तक भेजती है, उसके लिए कुरियर का खर्चा करती है, कुरियर एक्सपेंस, है ना। ऑर्डर तैयार करने के डॉक्यूमेंट तैयार किसको बोलते हैं? परचेज ऑर्डर। उस पर प्रिंटिंग कॉस्ट आई उसकी मान लो एक रुपया की, उसका परचेज ऑर्डर किसके पास भेजना? सप्लायर के पास। मान लो उसकी कुरियर कॉस्ट आई 25 रुपए की, उसके बाद सप्लायर से फॉलो अप लेना, सारा कुछ करना, इस तरह के मिसलेस एक्सपेंस और आ गए सर कितने के, कि भाई ऑर्डर कब आएगा, रिसीव होने तक, मतलब जब तक ऑर्डर हमारे पास आना जाए, सामान हमारे पास आना जाए, जब तक जो भी खर्चे होते हैं वो भी हमने क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो मान ले 30 रुपए पर ऑर्डर की मेरी क्या हो गई, कॉस्ट हो गई। इसको बोलते हैं सर ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये नॉर्मली पर ऑर्डर पे के हिसाब से दी होती है क्वेश्चन में, नॉर्मली के हिसाब से दी होती है पर ऑर्डर के हिसाब से, कि एक ऑर्डर प्लेस करोगे तो 30 रुपए की कॉस्ट आ रही है। ये नॉर्मली जो होती है हमारी पर ऑर्डर के हिसाब से क्वेश्चन में गिवन होती है, कि एक ऑर्डर प्लेस करोगे तो इतनी कॉस्ट आती है। क्लियर? चलिए, तो सर ऑर्डरिंग कॉस्ट समझ में आ गया कि हमारे को सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करने से लेकर ऑर्डर रिसीव होने तक, प्लेस होने से लेकर ऑर्डर रिसीव होने तक जो भी खर्चे लगते हैं उनको बोलते हैं सर ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये नॉर्मली पर ऑर्डर के हिसाब से क्वेश्चन में गिवन होती है। अब सर क्वेश्चन आता है इसके ऊपर किस तरीके से हमारा ईओक्यू डिसाइड होगा, जरा ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल सुनना, ठीक है। एग्जांपल सुनना, मान लीजिए मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट है, एनुअल रिक्वायरमेंट है ऑफ रॉ मटेरियल की कितनी, 1,00,000 यूनिट्स की, कितनी है 1,00,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। मेरे को ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दी हुई है सर, कुछ वही 30 रुपीज लिख देता हूं, चलो मैं कि एक ऑर्डर प्लेस करूंगा तो मेरे 30 रुपए की ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगी, मतलब एक ऑर्डर की, ठीक है। मैं दो केस लेता हूं, ठीक है, ऑर्डरिंग क्वांटिटी के दो केस ले लेता हूं। ऑर्डरिंग क्वांटिटी केस वन, मैं मान लेता 10,000 यूनिट्स की रख रहा हूं मैं सर, एक बार में 10,000 यूनिट्स मंगवाऊंगा। केस टू मैं रख रहा हूं सर, मैं एक बार में कितना मंगवाऊंगा, 20,000 यूनिट्स। इन दोनों केसेस में टोटल कॉस्ट निकालेंगे सर, दोनों केसेस में टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालेंगे, पूरे साल भर में मेरी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है कि वो निकालें दोनों केसेस में। तो केस वन में बात करूं मैं, पहले मैं केस वन में बात करता हूं, ध्यान सुनिएगा, पूरे साल भर की रिक्वायरमेंट कितनी, 1,00,000 यूनिट्स, और मैं अगर 10,000 करके यूनिट मंगवाऊंगा तो मुझे रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कितने ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने जाएंगे मेरे बताना, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे सर? सिंपल है, 1,00,000 यूनिट्स मंगवानी है सर, और एक बार मंगवा रहा हूं मैं 10,000 यूनिट्स, कितनी मंगवा रहा हूं, 10,000 यूनिट्स। तो आई नो वेरी वेल मुझे 10 ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे, कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, 10 ऑर्डर्स। क्लियर हो गई बात? तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, एक ऑर्डर की 30 रुपीज, तो 10 ऑर्डर की कितनी आएगी सर, 300 रुपया, 10 ऑर्डर्स की आएगी 300 रुपीज पूरे साल भर की। और वहीं पर मैं ऑर्डरिंग क्वांटिटी बढ़ा दूं तो क्या होगा, तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी। देखो कैसे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या हो गए मेरे, कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, 1,00,000 यूनिट्स डिवाइड बाय कितने से करो, 20,000 यूनिट से डिवाइड कर दो, आपको 5 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, आपको ओनली 5 ऑर्डर्स में काम बन जाएगा। अब बताओ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आएगी सर, एक ऑर्डर की 30 रुपए थी, ₹30 × 5 ऑर्डर्स, अब आएगी ₹150 पूरे साल की। तो जैसे ही मैंने ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ाई 10 से 20,000 कर दी, तो मेरी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो गई, कम होने लगी या नहीं होने लगी। तो इसी तरीके से अगर मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को ध्यान में दूं, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बड़ा सिंपल सी बात बोलता है सर, क्या बोलता है, हायर द ऑर्डरिंग क्वांटिटी, हायर द ऑर्डरिंग क्वांटिटी, जितनी ऑर्डरिंग क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, लोअर विल बी द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो इसका मतलब ऑर्डरिंग क्वांटिटी ज्यादा मंगवा, और लोअर द ऑर्डरिंग क्वांटिटी, लोअर द ऑर्डरिंग क्वांटिटी, हायर विल बी द ऑर्डरिंग कॉस्ट, हायर विल बी द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट।
तो अगर मैंने इसको सिंपल सा देखा ऑर्डरिंग कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को, तो हमें एनालिसिस निकली, हमें एक बार में क्या मंगवाना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, तभी हमारी कॉस्ट कम आएगी ऑर्डरिंग वाली। चलिए सर एक फैक्टर तो समझ गए, एक ने देखो ज्यादा मंगवा, अब दूसरा समझना, तो नाम से क्लियर है दूसरा फैक्टर कौन सा है, टोटल कैरिंग कॉस्ट। अच्छा कैरिंग कॉस्ट को हम लोग स्टोरेज कॉस्ट भी बोल सकते हैं ना, टोटल स्टोरेज कॉस्ट, वो स्टोर में रखने की कॉस्ट। क्लियर, सिंपल सी बात है, सप्लायर से अगर सामान रिसीव होगा, सप्लायर से सामान जब रिसीव होगा तो ऐसा तो नहीं है कि रोड पे रख दोगे, नहीं सर, उसको तो कहां रखना पड़ेगा, स्टोर में रखना पड़ेगा, स्टोर रूम में रखना पड़ेगा सर। और सर स्टोर रूम में रखोगे तो उसकी भी कॉस्ट है। अच्छा जी हाँ, स्टोर में रूम में रखने की कौन कौन सी कॉस्ट होती है, एग्जाम्पल देना। सिंपल सी बात है, स्टोर में रखोगे तो होता है रेट कटिंग हो जाए, चूहा काट जाए, स्टोर का रेंट बढ़ेगा जितना ज्यादा सामान लाओगे, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी सर। इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे बढ़ेगी, जरा ध्यान सुनिएगा, इसको बड़ा सिंपली तरीके से समझ लेना। जितना ज्यादा सामान स्टोर में रहेगा, सामान फ्री में तो आता नहीं है, बोलिए हाँ या ना, जो सामान आप परचेज करके लाओगे सप्लायर से और उसको स्टोर में रखोगे तो सामान फ्री में तो आएगा नहीं, उसको पैसे जाएंगे सप्लायर को, और पैसा अगर अपना है तो नोशनल इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी, क्योंकि अपने पैसे की भी क्या होती है, नोशनल कॉस्ट तो होती है इंटरेस्ट की, यस और नो। हाँ मगर मान लीजिए पैसा लोन पे लिया हुआ है तो बैंकों को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो जितना ज्यादा स्टोर में सामान होगा, एक कंसेप्ट समझ लेना, स्टोर में जितना सामान होगा उतना ज्यादा फंड्स की नीड पड़ेगी और उतना ज्यादा इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि फंड्स जो पैसा आता है वो फ्री में नहीं आता। ठीक है, जितना ज्यादा स्टोर में सामान रखोगे उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें करनी पड़ेगी, फंड्स लगाने पड़ेंगे स्टोर रूम में, उतना ज्यादा मेरी इंटरेस्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि सामान जो स्टोर में रखा जा रहा है वो फ्री में नहीं आता, वो पैसे लग के आते हैं, और पैसा या तो अपना होगा या पराया होगा, अपना होगा तो नोशनल इंटरेस्ट कॉस्ट, और अगर पराया होगा तो एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट, बहुत पैसा तो लगेगा लगेगा, तो स्टोर में रखने की कॉस्ट आती है सर। तो आपको सर नाम से क्लियर हो गया, स्टोर में कैरी करने की कॉस्ट, और यू नो वेरी वेल अगर आपने हायर ऑर्डरिंग क्वांटिटी कर ली तो स्टोर में ज्यादा सामान जाएगा और कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी, और रे यार बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लिखा हुआ है हायर द ऑर्डरिंग क्वांटिटी, है ना, हायर द ऑर्डरिंग क्वांटिटी हायर विल बी द कैरिंग कॉस्ट। तो कितनी ऑर्डरिंग क्वांटिटी करें, कम से कम मंगवाओ ना यार, वो तो फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी सर, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, लोअर द ऑर्डरिंग क्वांटिटी, ठीक है, लोअर विल बी द कैरिंग कॉस्ट। तो सर देख रहे हो, ऊपर कह रहा है ज्यादा मंगवाओ, नीचे कह रहा है कम मंगवाओ, तब बात बनेगी है या नहीं है। चलिए तीसरा फैक्टर और देख लेते हैं, वो नाम से आपको वैसे सबको पता होता है उस फैक्टर के बारे में, इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्वांटिटी डिस्काउंट। क्वांटिटी डिस्काउंट का फैक्टर पता ही आपको, बल्क क्वांटिटी में परचेस करते हो सर, परचेस करते हो तो आपको क्या मिलता है सर, डिस्काउंट मिलता है, नहीं मिलता, और डिस्काउंट मिलने से प्राइस क्या होते हैं, कम होते हैं। तो सर इस फैक्टर को तो नाम से आपको क्लियर हो गया, हायर द ऑर्डरिंग क्वांटिटी, हायर द ऑर्डरिंग क्वांटिटी, जितनी ऑर्डरिंग क्वांटिटी क्या रखोगे, ज्यादा रखोगे डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा, है ना, हायर विल बी द क्वांटिटी डिस्काउंट, विल बी द क्वांटिटी डिस्काउंट, और इससे क्या होगा, टोटल कॉस्ट कम होगी, डिस्काउंट बढ़ने से कॉस्ट क्या होगी, कम होगी सर। और सेम लोअर द ऑर्डरिंग क्वांटिटी, लोअर द ऑर्डरिंग क्वांटिटी, लोअर विल बी द डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होगा, कम होगा, और डिस्काउंट कम होने से क्या होगी, टोटल कॉस्ट फिर इंक्रीज हो जाएगी सर, टोटल कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी सर। तो सर तीनों फैक्टर्स थे कहीं ना कहीं आपस में कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स थे बताना बच्चों, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फैक्टर था, टोटल कैरिंग कॉस्ट का फैक्टर था, क्वांटिटी डिस्काउंट का,
तीनों में कंट्राडिक्शन आ रहा है। तो सर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पता है यही सीखेंगे कि इन तीनों फैक्टर्स में किस तरीके से हमें तालमेल बैठाएं, कोऑर्डिनेशन बैठाएं, और जिससे कोऑर्डिनेशन बैठाने के बाद हम लोग क्या डिसाइड कर पाए आरओक्यू। तो सर एक लाइन लिखते हैं और आज क्लास को ओवर करते हैं क्या। आफ्टर एनालाइजिंग अबाउट फैक्टर्स we come to know that there is a contradiction, है ना, contradiction है या नहीं है सर? ठीक है ना, contradiction क्यों है बताना बच्चों? एक factor कहता है ज्यादा मंगवाओ, एक कह रहा है कम मंगवाओ, तो contradiction तो आ रहा है नहीं आ रहा? कोई कह रहा है ज्यादा मंगवाओ, कोई कह रहा है कम मंगवाओ, ठीक है। Now We will discuss various methods of finding UQ. UQ finding करने के various methods सीखेंगे, in which we will try to establish coordination among all these factors, है ना? इन factors के बीच में हम लोग coordination establish करना करेंगे सर। तो हमें क्या सीखना है? various methods सीखने सर किसके? EOQ निकालने के। discuss करेंगे क्या? various methods of finding EOQ, ठीक है, discuss करेंगे बहुत सारे methods EOQ finding करने के, जिसके अंदर हम क्या करेंगे इनके बीच में कोऑर्डिनेशन तालमेल बनाने की कोशिश करेंगे इन सब फैक्टर्स में, और इस फैक्टर्स में जब कोऑर्डिनेशन बनेगा तभी हमारा ईओक्यू कैलकुलेट हो पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, ईओक्यू फाइंड आउट करने के वेरियस मेथड। तो आज के लिए हम लोग यही ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।